गौरी कंटेस्टेड इलेक्शन, आपने कहा यस, निकाल लेते हैं वो वीडियो तो मौजूद है, आपने कहा यस, मैंने पूछा कि आपने सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दिया पार्टी के, आपने कहा जी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि बाकी तमाम कैंडिडेट्स ने क्या आपने पॉजिटिव में जवाब दिया, जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है न पीटीआई लिखा है, आपको वो स्टेटमेंट दुरुस्त थे या इनका ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है? पहले तो ये बताएं कि आपने हाँ कहा था या नहीं। यस सर, हर कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मैं एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपसे मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि आपने अपनी पार्टी के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा किए, आपका जवाब था पॉजिटिव में कि यस नॉमिनेशन पेपर के साथ, और आप मैंने पूछा कि बाकी तमाम कैंडिडेट आपके जी सब ने किया, लेकिन अभी इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट दिए हमारे आपके नॉमिनेशन पेपर, उसमें आपका डिक्लेरेशन का खाना निल है जिसमें कुछ नहीं लिखा और साथ सर्टिफिकेट नहीं है, आपको वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या इनका ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है? नहीं, सारी स्टेट हमारी टिकट सारी इन्होंने नहीं लगाई। योर ऑनर, बेसिकली यही है, पहले तो ये बताएं कि आपने हाँ कहा था या नहीं उस दिन हमने आपसे पूछा। अब दिन कब पूछा? पहले डेट ऑफ हेयरिंग पे आपने कहा था कि यस कि मैंने। योराना, हमने हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं 800 859, आपका स्पेसिफिक मैंने पूछा कि मिस्टर गौरी कंटेस्टेड इलेक्शन, आपने कहा यस, निकाल लेते हैं वो वीडियो तो मौजूद है, आपने कहा यस, मैंने पूछा कि आपने सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दिया पार्टी के, आपने कहा जी यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि बाकी तमाम कैंडिडेट्स ने क्या आपने पॉजिटिव में जवाब दिया, लेकिन आज जो इन्होंने कागज दिए हैं इसमें तो आपका, इन्होंने आपको हाफ ली दिया है, नहीं डिक्लेरेशन तो सर, हर कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं, मैंने भी 2 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, इनके फॉर्म 31 देखे, फॉर्म 31 जब नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आए उन सब के साथ इन्होंने लिखा 2-2 फॉर्म जमा होते हैं, इंडिपेंडेंट का भी। आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आपके फॉर्म में निल जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसमें निल लिखा हुआ है ना? दो फॉर्म थे, एक इंडिपेंडेंट, एक वो जो पीटीआई के हैं वो इन्होंने आपको दिए नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं 2 फॉर्म हमने जमा किए थे हर कैंडिडेट ने, इंडिपेंडेंट के भी जमा किए थे, पीटीआई के भी जमा किए थे, आप फॉर्म 31 से मंगवा ले, उस फॉर्म 31 में मेरा भी लिखा हुआ कि मैंने 2 फॉर्म जमा किए, ये आपके पास एक फॉर्म लेके आया। दूसरी बात ये, आपने इंडिपेंडेंट क्यों जमा किए? नहीं, मैं आपने फॉर्म 31 इनके पास होगा जी, बिल्कुल इसमें पढ़ा, किताब में आपने इंडिपेंडेंट क्यों जमा किए? मैं किताब में दिखाता हूं यूरान जी, योराना हमने जमा किए, इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3 उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए, फॉर्म 31 देखिए योराना, वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इनके पास पढ़ दे ये देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया यस, और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किया, पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना योराना? टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट योराना, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मीन्स टिकट, और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होता है 13 तारीख को, सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं, दो लिखे थे ना, दो एक हमने पीटीआई। हाउ डज इट वर्क आउट, मतलब यू आर सपोज टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, दो एक एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है, वो कहां लिखा है? वो सेक्शन 60 देख, नहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा, यस योर ऑनर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर, नहीं वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं योर ऑनर, दिस सपोज मेरे प्रपोजर सेकेंडर है, एक ना आई तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, आप 4 सेम प्राइस उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से, नहीं 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता योर ऑनर, मैं अर्ज करता हूँ, एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट, मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट, सलमान राजा फाइल करेगा पीटीआई भी लिख लेगा इंडिपेंडेंट लिखेगा, मुझे टिकट मिल जाएगा, तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से कवरिंग कैंडिडेट तो पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता, नहीं इंडिपेंडेंट नहीं होता, कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा, 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का किसी का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूं, इसमें लिखा हुआ ठीक है जो कर रहे योराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे, सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को, इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें,
रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई इसलिए हमने दो दो दिए, ये बात में फिर आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो पीटीआई। लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ प्रूव्ड ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस योर ऑनर,